देश के कई सेक्टर आज मंदी की मार झेल रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ गिर गई है और विपक्ष सरकार की तरफ शब्दों के तीखे बाण छोड़ रहा है, लेकिन बीजेपी अपनी योजनाओं का बखान कर अर्थव्यवस्था में तेजी की बात कह रही है। लेकिन अब तो सरकार की पोल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के सर्वे ने भी खोल दी है। इस सर्वे में सरकार की मुश्किल बढ़ाने वाले खुलासे हुए हैं। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का ख्वाब देख रहा भारत आज अपनी कमजोर जीडीपी से जूझ रहा है। ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल और फूड सेक्टर में मंदी की मार है, लेकिन मोदी सरकार मानने को तैयार नहीं कि देश में बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था को लेकर हाहाकार है। वित्त मंत्री जब भी देश की जनता के सामने आती हैं, तो वो देश की बेहतर तस्वीर पेश करती हैं और कहती हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सब ठीक है तो फिर देश के कई सेक्टर मंदी की चपेट में क्यों हैं? कंपनियों से कर्मचारियों को निकाला क्यों जा रहा है? सैलरी देने में देरी क्यों हो रही है? सरकार के पास इन सवालों के जवाब नहीं है, इसीलिए विपक्ष लगातार केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। लेकिन अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की ओर से कराए गए मंथली बिजनेस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे में जो खुलासा हुआ है, वो विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका दे रहा है। जी हाँ, सर्वे के मुताबिक जुलाई में देश की बहुत सारी कंपनियों के मुनाफे पर तगड़ी चोट लगी है। जुलाई महीने की बात करें तो सर्वे में शामिल की गई 1600 कंपनियों में से 3/4 यानी करीब 1200 कंपनियों ने सामान्य से कम बिक्री की बात मानी। वहीं करीब आधी कंपनियों ने माना कि प्रॉफिट मार्जिन सामान्य से बेहद कम रहा है। इस सर्वे की शुरुआत मई 2017 में हुई थी और इसमें उन बिजनेस इकाइयों को शामिल किया गया था जो अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई थी। सर्वे में इस साल जुलाई में सामान्य से बेहद कम मुनाफा बताने वाली कंपनियों की तादाद करीब 54% रही। अप्रैल 2019 में ऐसी कंपनियों की संख्या 45% ही थी। सर्वे से जुड़ी आधिकारिक रिलीज के मुताबिक सामान्य से बेहद कम मुनाफा घोषित करने वाली कंपनियों का आंकड़ा पहली बार जून 2019 में 50% के स्तर को पार कर गया है। वहीं दूसरी तरफ सर्वे के सैंपल में शामिल की गई कंपनियों में सामान्य या सामान्य से ज्यादा मुनाफा बताने वाली फर्म की तादाद जुलाई में घटकर 20% रह गई है और जुलाई 2019 में प्रॉफिट मार्जिन से जुड़े हालात और खराब हो गए। और ये सर्वे बताते हैं कि सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के कितने भी दावे कर ले, लेकिन हकीकत किसी से छिपी नहीं है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।